नागपुर एग्रो डेवलपमेंट एसोसिएशन और नागपुर वाइन क्लब द्वारा अपने वार्षिक नागपुर वाइन एंड फूड फेस्टिवल के 8वें संस्करण का आयोजन 4 और 5 दिसंबर को किया गया है, जिसमें 9 वाइनरी कंपनी शामिल होने जा रही है। ऐसी जानकारी नागपुर एग्रो डेवलपमेंट एसोसिएशन और नागपुर वाइन क्लब के डायरेक्टर दीपक खनुजा और नागपुर वाइन क्लब के फाउंडर शरद फडणवीस द्वारा दी गई है। शहर में नागपुर एग्रो डेवलपमेंट एसोसिएशन और नागपुर वाइन क्लब द्वारा हर साल होने वाला वाइन एंड फूड फेस्टिवल इस साल भी बड़े उत्साह के साथ मनाया जाएगा। ऐसी जानकारी नागपुर वाइन क्लब के डायरेक्टर दीपक खनुजा द्वारा दी गई है। इस वाइन फेस्टिवल में रियो, सूला, रिदम, गुड्रॉफ वाइन जैसी अन्य नामांकित कंपनी की 9 वाइनरी कंपनी शामिल होगी। डबल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा तभी एंट्री दी जाएगी, प्लस मास्क कंपलसरी। अभी ये फेस्टिवल में हम लोग जैसे 500 रुपये का अगर टिकट चार्ज कर रहे हैं तो हमारे जो विजिटर्स हैं जो आएंगे उनको क्या फ़ायदा है? सबसे पहला इनका फ़ायदा है कि हम लोग एवरी विजिटर को 30 ml का वाइन कूपन टेस्टिंग के लिए देते हैं। ऑल दीज वाइनरीज शैल प्रोवाइड 30 ml वाइन टेस्टिंग टू ऑल द विजिटर्स, वैल्यूएबल इंफॉर्मेटिव brochures which will enhance your knowledge on the wine front. All those things will be inside the entrance kit. Plus added attraction, as Mr. Khanuja has said, that there will be a grape stomping event and live music to entertain and keep all the visitors amused all throughout the evening. So it's a festival which is basically, as Mr. Khanuja has said, that it is basically meant for enjoying a splendid evening. And every year we have been creating this event, but due to pandemic last year we could not conduct it. कोरोना महामारी का प्रभाव कुछ हद तक कम होने से सरकार द्वारा कोविड नियमों में शिथिलता दी गई, जिससे अब सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में इस साल ये वाइन फेस्टिवल भी बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाएगा। वाइन फेस्टिवल का ये 8वां साल है, ऐसा भी दीपक खनुजा द्वारा बताया गया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।